नमस्ते, दिनेश रावत कलकत्ता से प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया के लिए आप सभी का स्वागत है। आप लोग जुड़िए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी पब्लिक डिमांड पे मैंने ये टॉपिक लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सेंसिटिव भी है और सबका इसमें इंटरेस्ट होगा। ये आप लोग जुड़िए, अपना सिग्नल दीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। आज मेरे को मेरे बचपन की कहानी याद आ रही है। जब मैं छोटा था, समझिए क्लास 7-8 में पढ़ता था, 14-15 साल का रहा होऊंगा, तो मेरे को उस समय एक हॉबी थी पेन फ्रेंडशिप, यानी कि मैं दुनिया के अलग अलग देशों में पेन फ्रेंड्स बनाते थे और मेरे करीब 16 देशों में पेन फ्रेंड्स थे। तो देशों के नाम भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं जैसे उसमें थे हमारा फॉर्मोसा, जो कि अभी ताइवान बोलते हैं, जापान, श्रीलंका, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यूएसए, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, इंडो चाइना बोल के शायद एक देश था, अब तो कोई देश के नाम भी भूल गए, कितने साल हो गए, मोर देन 50 ईयर्स। तो उस समय जब वहाँ के लोगों से बात होती थी, सब बच्चे थे हम लोग, दे वर ऑल इन टीन्स, तो अब सब कोई अपने अपने देश के बारे में बताते थे, तो मैं अपने देश के बारे में बड़े गर्व से किसके बारे में बताता था, ताजमहल के बारे में। उन लोग को ताजमहल की फ़ोटो भेजता था कि देखो ये दुनिया का 7वां आश्चर्य है और इतना भव्य एक प्यार में किसी ने बनाया है, इसकी मिसाल दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है। तो ये सिर्फ मेरी नहीं, हर भारतीय की जिंदगी से ताजमहल इमोशनली बहुत जुड़ा हुआ है कि नहीं, आप बताइए। तो आज उसी ताजमहल के बारे में मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है, तो ये तो मेरा भाग्य ही है। कितने लोग जुड़े हैं, तो आगे बढ़ें। तो ऐसा है कि हम लोग सभी जानते हैं, आप भी वही जानते हैं कि ताजमहल को जो है शाहजहां ने बनवाया था और उसकी मुमताज महल, हम लोग मुमताज महल जानते थे कि मुमताज महल के डेथ की और उसको श्रद्धांजलि के हिसाब से, उसकी यादगार के हिसाब से शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था और इसको बनवाने में 20 साल लगे थे, इसको लगाने में 20,000 लोग लगे थे और वो कारीगर जो है कहाँ से, मिडल ईस्ट से और यमन से सब आए थे और उसके बाद जो है उन लोग के हाथ काट दिए गए क्योंकि वो लोग ऐसी इमारत और कोई दूसरी नहीं बना सके। ये सब हम लोग ने पढ़ा था, सुना था, अपने अच्छे बुरे कमेंट करते थे कि क्यों उनका, मजदूरों का हाथ काट दिया गया। ठीक है, बड़े हुए जब मौका लगा ताजमहल देखने का, बड़ा आलीशान है, इतना सुंदर और इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है कि दिल खुश हो जाए। और आज भी इतने वर्षों के बाद वो मार्बल उसका क्या चमकता है, यानी कि मैं तो जब गया था, समझिए पहली दफे मैं गया था करीब 50 साल पहले मैं गया था, तब तो ताजमहल एकदम चमकता था, दूध की तरह से चमकता था। अब तो फिर भी पॉल्यूशन वगैरह की वजह से थोड़ा सा वो दूधीपन कम हो गया है। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे को किसी ने बताया
ताजमहल थोड़ी ना शाहजहां ने बनवाया है। बोले क्या बकवास करते हो, पावर चला गया है तो अब क्या करेंगे, या तो हम लोग थोड़ी देर पॉज करें, नहीं तो क्या लाइट दिखाई पड़ रही है, मतलब मोबाइल की लाइट दिखाई। चलिए तब तक मोबाइल की लाइट से काम चलाते हैं, यह भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो मेरे को किसी ने कहा कि शाहजहां ने नहीं बनाया था। बोले किसने बनाया था, बोले नहीं नहीं ये शाहजहां से 500-600 साल पहले बना हुआ था। अब मेरा दिमाग घूम गया, मेरा क्या किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। तो मैंने उससे कहा नहीं तुम ऐसे ही बोल देने से तो मान नहीं लेंगे। तो बोला तुम तो अभी दिल्ली में हो, तुम चले जाओ वहाँ पे, वो एक पब्लिशर है उसके पास तुम जा कर के किताब खरीद लो, किताब में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। वो पब्लिशर बताया था, खोजते 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 उस पब्लिशर के पास गया तो वहाँ पे मेरे को ये किताब मिली, ये ताजमहल के ऊपर ये किताब मिली। तो ये किताब देख करके मेरे को दिल नहीं भरा, हम बोले कि नहीं ये कैसे हो सकता है, किताब में तो कोई कुछ भी लिख सकता है। फिर मैंने पब्लिशर से पूछा इसको लिखने वाला कौन है, तो उसने बताया इसको लिखने वाले एक मिस्टर ओक हैं, तो वो मेरे को स्क्रिप्ट दे दिए थे तो मैं पब्लिश कर दिया हूँ, अब उनको जो है सालाना रॉयल्टी कुछ होता है तो दे देते हैं, नहीं तो किताब तो ज़्यादा बिकती भी नहीं है और इस पर जो है गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया था, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा बिकती उकती भी नहीं है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है ये कहाँ रहते हैं, बोले ये तो पूना में रहते हैं। हम बोले एड्रेस दीजिए मेरे को, बोले एड्रेस तो मैं दे दूंगा लेकिन वो अभी उनका पिछले 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। हम बोले ऐसा, मैंने कहा फिर भी आप एड्रेस दीजिए। मैं तो बहुत उत्साहित था, बहुत उत्तेजित था, मैंने कहा इतनी बड़ी हिस्ट्री में मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है। फिर मैं करीब 2-4 दिन में जितनी जल्दी से ट्रेन का रिजर्वेशन मिल सका, रिजर्वेशन लेकर के पुणे गया, उनके घर में गया। उनके घर में गया तो मैंने पूछा कि भाई इस तरीके से सारे हमने पुस्तक पढ़ी, तो ओक साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह हो तो मिल जाती। तो लोग बोले नहीं हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, उनके जाने के बाद हम लोग ने तो घर साफ कर दिया, वो तो दिन रात इसी में कीड़े की तरह से लगे रहते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए उनके एक बंधु हैं मिस्टर अशोक अठावले, हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। फिर मिस्टर अशोक अठावले उनके घर के पास में ही रहते हैं, तो मिस्टर अशोक अठावले से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी पहली खोज जो है V.S. गोडबोले ने की थी, और उन्होंने मेरे को ये सब, अभी तो लाइट नहीं है, ये सब मेरे को ओरिजिनल, ये करीब समझ लीजिए कि 70 साल पुरानी फोटो है, ये सब सब फोटो मैंने ली, बड़े सहेज के सब रखी हुई थी, ये सब फोटो सब मैंने ली, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये ऊपर के पिनेकल की सब एक एक मीनार के पूरा इस पे नोट है कि आर्किटेक्चरली क्या है, ये कैसे बना हुआ है, क्या इसमें सिंबल्स बने हुए हैं, ये सब पूरा का पूरा है इसमें। इस तरह के बहुत है, ये सब ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, लाइट नहीं है मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये सब ताजमहल के चारों तरफ से बगीचे की आपका
उसके दोनों तरफ जो कंस्ट्रक्शन है, एंट्रेंस का, गेट का, सब कुछ की एकदम क्लोज़अप पिक्चर है। और ये उस समय इस तरह की पिक्चर होती थी, ये पिक्चर भी हो गई होंगी कम से कम 35-40 साल पुरानी ये पिक्चर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं। ये मिसेज ओक ने कहा कि ठीक है, आप मिस्टर ओक से तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनके लेटर हेड पे उन्होंने मेरे को ये आशीर्वचन लिख के दिया कि आप ओक साहब के काम को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझको बहुत खुशी है, परिवार को बहुत खुशी है। तो 2 साल पहले श्रीमती साधना ओक, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है। अभी पिछले महीने मैंने उनकी सुपुत्री से बात किया तो उन्होंने बताया कि मिसेज ओक ने भी शरीर छोड़ दिया है। तो अशोक अठावले साहब ने जब मेरे को बताया कि नहीं रावत साहब, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रूफ हैं कि ये हिंदू मंदिर ही था, हिंदू मंदिर था, तो आज भी ताजमहल में रोज हजारों आदमी आते हैं और सारी दुनिया में यही प्रचार होता है कि ये शाहजहां ने बनवाया है और मुमताज के लिए बनाया है। तो इसको झूठा इतिहास लोगों को बताया जाता है, क्या इसमें दिक्कत है? फिर उन्होंने बताया कि देखिए, इसमें दिक्कत यह है कि ये जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है सच बताना जनता को, और इसके लिए जो है हम लोग ने कोर्ट में भी गए। फिर उन्होंने हमको बताया कि अलाहाबाद, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ने तो कोर्ट में भी एक्शन लिया लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हम बोले एक्शन क्या लिया? बोले कि अलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग ने एक PIL दाखिल किया। तो हमने कहा ठीक है, किसने दाखिल किया? मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको PIL जिन्होंने फाइल किया वो मिस्टर योगेश सक्सेना है और वो तो अलाहाबाद में है। मैंने कहा ठीक है, मैं अलाहाबाद जाऊँगा। उसके बाद जो है, जैसे ही मेरे को कुछ दिन के बाद मौका लगा, मैं सक्सेना साहब से बात किया। सक्सेना साहब से बात करके अपनी इनोवा गाड़ी में जो है मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में सक्सेना साहब के पास रहा और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये PIL है जो अलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया गया था। तो ये आपको दिखाते हैं, ये रिट पिटीशन नंबर 36818 ऑफ 2004 अलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो इसमें जो है, ये तो मेन पिटीशन है, उसके बाद एनेक्शर वगैरह बहुत है। तो इसमें क्या क्या है वो आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें जो है बताया गया है कि 1155 ये से 1158, ये 2 साल के बीच में, 2-3 साल में इस ताजमहल बनाया गया था राजा परमादि देव, ये एक जाट महाराजा थे। और उसके बाद जो है ये उनके पास आया, मान सिंह के पास आया, और मान सिंह से राजा जय सिंह से क्या कोई प्रॉब्लम है? तो राजा जय सिंह से इसको शाहजहां ने लिया 1629 में, यानी कि शाहजहां ने इसको लिया राजा जय सिंह से, उसके बदले उसको कुछ काम वगैरह कुछ कंपनसेशन दिया, लेकिन लिया जबरदस्ती।
और उसके बाद जो है उसने इसमें बताया है कि 1629 से 1632 के बीच में जो है मुमताज, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानू, उसका देहांत हो गया और उसकी बॉडी जो है बुरहानपुर में दफनाई गई। और उसके बाद जो है 6 महीने के बाद उसकी बॉडी को ला करके इसमें रखा गया। अच्छा, इस बीच में जो है इसकी ये लोग ने रिपेयरिंग चालू की। रिपेयरिंग जो चालू की, रिपेयरिंग में सबसे बड़ा था कि इसमें बहुत सारा ये लोग को काम करना था, जैसे सारे हिंदू सिंबल्स निकालने थे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां सब निकालनी थी, और कुरान की आयतें जो हैं सब पत्थर पे बनवा बनवा करके सब रखवाना था। तो उन्होंने कोर्ट में ये सब तथ्य दिए हैं, और साथ में कोर्ट में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ इवेंट्स, सारे इवेंट्स की डेट, स्टे एप्लीकेशन, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एसोसिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फाइल कर रहा है, तो इसमें था इंस्टीट्यूट ऑफ री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन था, और दूसरा श्री पी एन ओक थे। फिर इसमें सबमिट किया गया ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस, ये किताब सबमिट की गई कोर्ट को। फिर दूसरी किताब सबमिट की गई मिसिंग चैप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब पेश करके की गई कोर्ट में। फिर ये किताब भी पेश की गई कोर्ट में। फिर बहुत सारे मैप्स दिए गए, बहुत सारे इसमें औरंगजेब का लेटर भी था, बादशाह नामा था, इसमें साफ एकदम लिखा हुआ है। ये सब इसमें सब कोर्ट में सबमिट किए गए। लेकिन उस समय वहाँ पे यूपी में थी मुलायम सिंह की सरकार, और दिल्ली में थी सोनिया गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह ने जो है शपथ ली थी 2004 में। तो उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कि इस पिटीशन का क्या हुआ होगा, और इस पिटीशन को जो है उन लोग को कहा गया इसको वापस लेने के लिए। एनीवे, फिर साथ में इन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सबमिट की, बादशाह नामा, ये देखिए ना, ये ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस, इसका नेशनल आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट, फिर प्रिंस औरंगजेब्स लेटर रिटन इन उर्दू लैंग्वेज टू हिज फादर एम्परर शाहजहां, डेटेड जुलाई जुलाई अगस्त 1652, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द प्रिंस औरंगजेब्स लेटर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द रिसर्च वर्क ऑन द ताजमहल आइडेंटिटी। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो हमारे पास भी है, वो अलग जगह आप जिसको इंटरेस्ट होगा दिखा देंगे। फिर यहाँ पे ये और रिसर्च के पेपर, प्रूफ एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ इट्स ऑथोराइजेशन, फिर कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का भी यहाँ पे वो है, और कार्बन डेटिंग उस समय जब की थी तो बताया था कि 800 साल पुरानी कार्बन डेटिंग है दरवाजे की। फिर जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की क्या क्या हैं, वो सब कैसे फॉल्स हैं, फिर ताजमहल के सारे फोटोग्राफ जिसमें साफ दिखाया हुआ है कि ये हिंदू
सिंबल्स हैं। क्या था कि वो लोग ने बहुत सारे तो सब निकाल दिए, लेकिन बहुत सारे सिंपल सिंबल्स वो लोग को समझ में नहीं आए कि अब जैसे ये डिज़ाइन उनको समझ में नहीं आया। अब ये फूल तो मुसलमान लोग बनाते नहीं हैं, फिर उसमें जो है 22 दरवाजे थे और ये 7 मंजिला इमारत है, ये उसका प्रमाण है। तो एक कब्र जो है वो 7 तल्ला बनने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सारे सब एविडेंस हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपका कम समय लेकर के आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। मेरे को जिससे तर्क जीतना है या जिससे केस जीतना है उसको सब इतना डिटेल्स में बताने की आवश्यकता है, आपको तो सिर्फ तथ्य समझना है। तो इस तरीके से ये PIL इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको डिसमिस कर दिया गया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। ये आपको बताते हैं, ये ओक साहब की किताब है, इसमें उन्होंने सारे इसमें भी उन्होंने सारे प्रूफ दिए हैं। ये देखिए, ये बादशाहनामा है, ये बादशाहनामा में खुद शाहजहाँ के उन लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने कैसे ताजमहल लिया। और ये औरंगजेब का लेटर है जिसमें उसने कहा कि इसको बनवाना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा है, तो इसको बनवाना क्या रिपेयर कराना पड़ेगा। तो रिपेयर कराने में उसके सारे स्लैब्स बदलने में, सारे नहीं, जो जो स्लैब्स में कुरान की आयतें लिखवानी थी वो सबको ये सब करने में करीब 20 साल 22 साल लगा। इस तरीके से ये इसके ऊपर का जो ये क्राउन है, इसको जिन लोगों ने इसको चेंज किया था उन्होंने सोचा होगा कि इतना ऊपर जा करके तो कोई वेरीफाई करेगा नहीं, और ये तो चांद और तारा जैसा लगता है तो ठीक है, लेकिन बाद में अभी एकदम साफ नज़र आता है कि ये जो है त्रिशूल है। त्रिशूल जो हम लोग के मंदिर के ऊपर होता है, ये त्रिशूल है, और ये एक दो ये त्रिशूल, और ये ऊपर जो है कलश है, कलश में ये आम्रपत्ता है और ये नारियल है। तो इस तरह की अभी भी ताजमहल में हजारों चीज़ें हैं। अब ताजमहल जो है बहुत ही वेल्दी मंदिर था, सोना से भरा हुआ था। यहाँ पे शिव, इसका नाम था तजो महल्यो, और पूरी इसकी रेलिंग वगैरह सब सोने की बनी हुई थी। तो आज से इसको जो है शाहजहाँ ने सब वो सब निकलवा दिया एकदम प्लेन करके, जिसमें सोना चांदी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ जो है ये प्रेशस स्टोन्स वगैरह जो नहीं निकाले गए वो बाकी हैं, नहीं तो बाकी सब इसमें से निकाल लिया गया है। और निकालने के बाद जो है इसको जो है ये मुमताज की यहाँ पे कब्र बना दी है। कब्र इस्लामी हिसाब से जो है मिट्टी के ऊपर होती है, लेकिन ये जो है 3rd फ्लोर पे है, ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा, एक सोचने की चीज़ है कि ये कब्र इतनी बड़ी एरिया में बनती है क्या, कहीं किसी की भी कब्र हो। एनीवे, चलिए वो डिस्प्यूट में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट की चीज़ ये है कि आज दुनिया के करोड़ों 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 लोग यही जानते हैं कि ये ताजमहल
जो भारत की शान है, भारत की निशानी है, भारत की आन है, इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था, तो ये कितना बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन है। लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये राजपूत राजाओं के साथ, जिन्होंने इतना बारीकी का, इतना कमाल का, इतना वैल्यूएबल काम किया है, इस तरह की आज भी एक इमारत बनाना किसी के लिए संभव नहीं है, और ये इतना बड़ा काम का, इतना बड़ा अचीवमेंट का श्रेय हमने जो है लुटेरों को दे दिया है, जो लोग यहाँ पे लूटने के लिए आए थे हमने उसके नाम पे कर दिया है। कैसे हुआ ये? ये जो है लॉर्ड मैकाउले को जो है बना दिया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ, तो लॉर्ड मैकाउले ने जो है 1864 के बाद जो है यही सब काम किए, 1842 1862 एक मिनट, और बैठक होता है सादा बैठक होता है, ये जो है 1843 में लॉर्ड ऑकलैंड और उसका असिस्टेंट था लॉर्ड कनिंघम, और उन्होंने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को टेम्पर किया, सब में जो है साइन बोर्ड बदला गया, साइन बोर्ड के संग जो जो बदलना था वो सब बदला गया, और उसके बाद जो है 1864 में जो है कनिंघम रिटायर हो गया, फिर उसको रीअपॉइंट किया गया, और फिर उसने जो है सब जगह जाकर के जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं वो उस समय दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, इस एरिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सबका इस्लामीकरण किया गया। आज तो हम लोग ने ताजमहल के बारे में बात की है, आगे हम लोग दूसरे लोगों के दूसरे उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। यानी कि अगर कोई ये तर्क करना चाहता है कि नहीं मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गलत है, तो मेरे पास उसके लिए कम से कम 500 पॉइंट हैं, जो मेरे को गलत बताएगा उसको मेरे 500 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, और उसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकता है, उसका उत्तर सिर्फ यही हो सकता है कि चुप रहो। ये जो मैं आपको बता रहा था कि मिस्टर रोक ने कई चिट्ठियां लिखी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, और चलिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आप लोग को सब दिखाऊंगा, और ये किताब भी जिसको ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, पूरा डीप में जाना चाहता है, ये किताब आप खरीद सकते हैं, ये ताजमहल से टेंपल पैलेस, ये मिस्टर पी एन ओक ने लिखी हुई है। अब तो इस पर बैन नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार जो है आप लोग सबको को मालूम है कि वो तुष्टिकरण के काम के लिए जो है किसी भी दूर तक जाने को तैयार थी। तो आज के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, मेरे को आशा है कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि बहुत दिन से लोग बात सुनते हैं कि ताजमहल हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है, लेकिन कोई श्योर नहीं हो पाता था, तो आज मैंने आपको सारे के सारे फैक्ट्स दे दिए हैं, फिगर्स दे दिए हैं, और किसी को और भी फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, तो हमारे पास सारे कार्बन डेटिंग का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट
कि ये इन्फॉर्मेशन आज हमारे देश में कोने कोने में हर इंसान को जाननी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे इतिहास को किस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है, किस तरीके से हम लोग का इतिहास रो रहा है, कराह रहा है। इसको हम लोग को देखना है, समझना है, इसको न्याय देना है, इसको मरहम पट्टी लगाना है। तो अगर इसको कोई नहीं कर रहा तो हम लोग तो कुछ करें। अच्छा, थैंक यू। फिर से आप हम लोग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस लाइव वीडियो को जहाँ जितना हो सके शेयर करिए, हम लोग के वेबसाइट में भी आइए, gloriesofindia.in वेबसाइट है, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसको हमेशा अपडेट किया जाता है, हर एक दो दिन में जो है उसमें इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। ठीक है, ओके, हैव अ ग्रेट डे।